जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मेनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मेनस न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। रेत की तस्करी में दो अपराधी धराए गए। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी को किया गया घायल। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। रेत की तस्करी में दो अपराधी धराए गए। भिवापुर में रेत की तस्करी में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर 12 ब्रास रेती सहित कुल 30,60,000 रुपए का माल जब्त किया है। कार्रवाई मंगलवार 9 जुलाई की सुबह नशी मार्ग पर की गई। आरोपी का नाम मोहसिन अहमद खान मजूर अहमद खान 31 वर्षीय वलगावा रोड अमरावती का निवासी बताया जा रहा है और राजेश कुलवारी कवड़कर अमरावती का निवासी बताया जा रहा है, जिसका भिवापुर पुलिस को पेट्रोलिंग के दौरान रेत की तस्करी होने की गुप्त जानकारी मिली थी। इस आधार पर पुलिस ने नशी मार्ग पर नाकाबंदी की। यहां तेज रफ्तार से आ रहे एप्लेज टिप्पर को रोककर इसकी जांच की गई। इनमें बगैर लॉन्ड्री की 12 ग्रास रेती मिली गई, जिसमें रेती सहित टिप्पर की कीमत 30,60,000 रुपए बताई जा रही है। ऐसे ही दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही आगे की जांच चल रही है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हादसे में बाइक सवार की हुई मौत। उमरेड में टिप्पर की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। घटना उमरेड भिवापुर रोड पर एमआर इग्रो जेनेम फ्रैक्टर्स परिसर में हुई। मंगलवार 9 जुलाई के दोपहर 4:30 बजे के दरमियान मृतक का नाम गिरीश मोहन येरपुड़े हैं, जो कि प्राप्त जानकारी के अनुसार टिप्पर उमरेड में भिवापुर की ओर से जा रहा था। विपरीत दिशा से आ रहे गिरीश का टिप्पर से टक्कर हो गई। गंभीर रूप से घायल होने पर उसे उमरेड के ग्रामीण अस्पताल पहुंचा गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें जांच के दौरान मृत घोषित कर दिया। आरोपी टिप्पर चालक कार्तिक कनारे नापुर के खिलाफ उमरेड पुलिस ने मामला दर्ज किया है, साथ ही आगे की जांच चल रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कुल्हाड़ी से वार कर पत्नी की गई हत्या। मेरठ जिले के एक गांव में मंगलवार को एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर कथित रूप से उनकी हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना थाना कंकार खेत्र क्षेत्र के लाला मोहद्दुर गांव की है। नगर पुलिस अधीक्षक आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि आज सुबह महिला की हत्या की सूचना मिलने के बाद स्थानीय पुलिस टीम की मौके पर पहुंची और मृतक की पहचान फारजा के रूप में की गई। उन्होंने कहा कि पारंपरिक जांच में सामने आया, जिसमें आपसे कहा सुनी कि फरजान से पति मोहसिन ने उसके सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही पुलिस आगे की जांच कर रही है। अब तो शायद दर्शकों ब्रेक का ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रही है मेनस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।